अगर आज मायावती, अखिलेश और राहुल के महागठबंधन से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो देखिए। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूँ। महाभारत का ये सीन आप भूले नहीं होंगे। ये सीन ही महाभारत का क्लाइमेक्स था। युद्ध की तैयारी हो रही थी। महाभारत के इस युद्ध में कौन किसके साथ होगा, इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने क्या किया, भगवान कृष्ण को ठुकराकर नारायणी सेना को ही साथ रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो दुराचारी, भ्रष्टाचारी, निरंकुश और अनैतिक होता है, वो कभी भगवान कृष्ण को अपने साथ नहीं रख सकता। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूँ। अथ श्री महाभारत कथा। याद रखिए, आज भी महाभारत का वही दृश्य दोहराया जा रहा है। एक तरफ पूरी की पूरी सेना खड़ी है, कोई दुर्योधन है तो कोई दुशासन, कोई शकुनी मामा बना है तो कोई कर्ण है, लाचार से दिखने वाले अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और भीष्म भी उधर ही खड़े हैं, तो कोई अंधे धृतराष्ट्र की तरह खुद को लाचार बता रहा है। अच्छा ये तो बताओ पार्थ, कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे, तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, अपने आप को जिसे सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। जबकि दूसरी तरफ अर्जुन का सारथी बनने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं। फैसला आपको करना है। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। ये तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव, आज मेरी विजय निश्चित हो गई। यदा यदा ही धर्मस्य। अब आपको तय करना है कि 2019 के इस महाभारत के युद्ध में आपको किसके साथ रहना है। सिर्फ एक बार जाति पाति छोड़ दो दोस्तों, सिर्फ एक बार अपने स्वार्थ को छोड़ दो दोस्तों। इस बार चूक गए तो दोबारा इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं मिलेगा। दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवा